ग्रीव्स कॉटन। सर, कल का न्यूज है, इसमें जो आयशर मोटर के सीईओ साहब हैं वो वहां से छोड़ के ब्रिस्क कॉटन में ज्वाइन किए हैं। एंड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक में बहुत ज्यादा काम चल रहा था आयशर मोटर में, अब वहां से अब ये ब्रिस्क कॉटन में आए हैं तो कुछ अच्छा हो सकता है, ये सोच के आए हुए हैं। बट टेक्निकली बात करूं सर, थोड़ा सा अगर आप वीकली चार्ट में इसको देखोगे तो आप समझ में आओगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट 6 साल हो गए सर, इसमें कोई रिटर्न नहीं। 2014 से लेके 2022 हो गया, 130 40 से और 180 के रेंज में ये चल रहा है। बीच में एक दिन ब्रेकआउट आके 230 गया था कुछ दिनों के लिए, बट वो टिक नहीं पाया, वापिस वो 175 में ही चल रहा है। अगर आप इसका सेल्स भी देखोगे ना तो 2015 से लेके 2022 तक सेल्स में भी कोई फर्क नहीं आया। वो 400 500 करोड़ का सेल आज भी उतना ही सेल है। यस, आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल का दम बढ़ रहा है, मगर क्या ये कंपनी उसमें परफॉर्म कर पाएगी नहीं कर पाएगी बोलना मुश्किल है, क्योंकि सेल्स तो नहीं है आज के दिन पे। तो एक बार होने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। ट्रेडिंग के लिए अगर लेना है तो 155 160 का स्टॉप लॉस लगा के 200 तक का टारगेट देख सकते हैं। टेक्निकली अभी ऐसा कोई मोमेंटम इसमें नहीं दिख रहा और ना ही फंडामेंटली कोई चेंजेस हुए। नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल का थीम जरूर है सर, बट अभी इतना कुछ कर नहीं पाया। जी।